चॉकलेट्स खाना बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत पसंद होता है। स्पेशली बच्चों को तो अगर किसी ओकेजन पे चॉकलेट्स मिल जाए तो उनका मजा दुगना हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ लेकर आई हूँ क्रिसमस के लिए खास होममेड चॉकलेट्स, बिल्कुल नई और डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ। साथ ही मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप एक इंग्रेडिएंट को यूज करके कितने वेरिएशंस उसके बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस चॉकलेट की रेसिपी को। चॉकलेट्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मिल्क कंपाउंड का यूज किया है और ये मोडे ब्रांड का है, आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। साथ ही हमने लिए हैं वेफर्स। वेफर्स भी आप अपनी पसंद से कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं और किसी भी फ्लेवर में ले सकते हैं। सबसे पहले हम चॉकलेट को चॉप कर लेते हैं। चॉकलेट को मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है। इसे हम ट्रांसफर कर लेते हैं बाउल में और इसे हम रख देते हैं साइड पर। फर्स्ट वेरिएशन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है ड्राइड चेरीज, जिसे कि हम फाइनली चॉप कर लेंगे, बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेंगे। आप चाहें तो चेरीज की जगह कोई भी ड्राइड फ्रूट ले सकते हैं। चेरीज को ट्रांसफर कर लेते हैं बाउल में। सेकेंड वेरिएशन के लिए मैंने लिए हैं बादाम, तो बादाम को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। लो फ्लेम पर कॉन्टिन्यूस चलाते हुए इसे हम 3 से 4 मिनट तक भून लेते हैं। बादाम हमारे अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं तो इसे हम बोर्ड पे ट्रांसफर कर लेंगे और इसे हम बारीक टुकड़ों में काट लेंगे। आप बादाम की जगह किसी भी नट का यूज कर सकते हैं, कैश्यूज का, हेजल नट्स का। चॉकलेट बनाने के लिए हम कंपाउंड को मेल्ट कर लेते हैं, तो आप या तो डबल बॉयलर से इसे मेल्ट कर सकते हैं या फिर इसे माइक्रोवेव में रख सकते हैं। माइक्रोवेव में हम चॉकलेट को 30-30 सेकेंड्स के इंटरवल पे रखेंगे। हमें चॉकलेट को एक साथ 1 मिनट के लिए नहीं रखना होता, नहीं तो चॉकलेट जल जाती है। तो चॉकलेट हमारी कम्प्लीटली मेल्ट हो चुकी है, इसे हम साइड पर रख देते हैं। चेरी चॉकलेट्स बनाने के लिए हम अपने वेफर के तीनों लेयर्स को सेपरेट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का यूज किया है। अब हम वेफर पे अपनी लगा लेते हैं मेल्टेड चॉकलेट और इसे हम अच्छे से फैला लेंगे चारों तरफ। अब इसके ऊपर हमने जो चेरीज को चॉप करके रखा था ना, वो लगा लेते हैं। तो आप चेरीज की जगह पाइनएप्पल का यूज कर सकते हैं, कीवीज का यूज कर सकते हैं। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी यहाँ पर वेरिएशन डाल सकते हैं। इसके ऊपर अब हम लगा लेते हैं दूसरा वेफर, उसे भी हम चॉकलेट से एक बार कोट कर देंगे हल्का सा, ताकि जो हमारी चेरीज हैं वो स्टिक हो जाएं अच्छे से हमारे वेफर के साथ। इसे कवर कर देते हैं, जेंटली प्रेस करेंगे इसे और हमारा स्टफ्ड वेफर रेडी है। इसी तरह से हम बाकी सारे वेफर्स को भी रेडी कर लेंगे। आप चाहें तो इस तरह से वन साइड को डिप भी कर सकते हैं चॉकलेट में, तो जो आपको कन्वीनियंट लगे आप वो मेथड यूज कर सकते हैं। मैंने चेरीज को स्टफ करके वेफर्स को रेडी कर लिया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए साइड पर रख देते हैं। यहाँ पर मैं वेफर को चॉकलेट में पूरा अच्छे से कोट कर रही हूँ। ये हमारा एक अलग वेरिएशन बन रहा है चॉकलेट का। इसे हमें चारों तरफ से अच्छे से कोट करना है और फोक की हेल्प से हम चॉकलेट को अपनी निकाल लेते हैं, ताकि जितना भी हमारा एक्सेस चॉकलेट हो वो सारा निकल जाए। ट्रांसफर कर लेते हैं इसे बटर पेपर पर। बटर पेपर पे आपकी जो चॉकलेट है वो इजीली सेट हो जाती है और आपको निकालने में प्रॉब्लम नहीं होती। बस अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब दूसरा वेरिएशन बनाते हैं। चॉकलेट को एक बार स्टेयर कर लेंगे अच्छे से। अगर आपको लगे कि चॉकलेट आपकी थिक हो गई है तो आप उसे 30 सेकेंड्स के लिए फिर से माइक्रोवेव कर सकते हैं। फिर से हम वेफर को कोट कर लेते हैं चॉकलेट से। वेफर को हमें चारों तरफ से चॉकलेट से अच्छे से कोट करना है। फोक की हेल्प से हम वेफर को निकाल लेंगे और 2 से 3 बार हम टैप करेंगे, ताकि जितना भी हमारा एक्सेस चॉकलेट है ना वो सारा निकल जाए। अब इसके ऊपर लगा लेते हैं हमारे चॉप्ड आलमंड्स, जिसे कि हमने रोस्ट करके चॉप किया था। तो आप यहाँ पे काजू का यूज कर सकते हैं, हेजल नट का यूज कर सकते हैं और जेंटली उसे प्रेस करेंगे, ताकि हमारे जो बादाम है वो चॉकलेट में अच्छे से सेट हो जाए। बस अब हम इसे ट्रांसफर कर लेते हैं बटर पेपर पर और इसे भी ठंडा होने देते हैं। हमारे वेफर्स अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, जिनमें हमने चेरीज को स्टफ किया था। अब हम बनाते हैं अपना चेरी चॉकलेट। तो उसके लिए हम इन सैंडविचेस को हम कोट करेंगे चॉकलेट में। तो चॉकलेट को एक बार अच्छे से स्टेयर कर लेते हैं। वेफर को हम कोट कर लेते हैं चॉकलेट से। तो हमें चारों तरफ से अच्छे से कोट करना है और फोक की हेल्प से हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो मैं इसे गार्निश कर रही हूँ एक सेंटर में चेरी से। बस अब हम इसे ठंडा होने के लिए बटर पेपर पर ट्रांसफर कर देते हैं।
चॉकलेट्स को हम सेट होने के लिए फ्रिज में आधे घंटे के लिए रखेंगे। आपको रेफ्रिजरेट करने की जरूरत नहीं है। बस आधा घंटा हुआ है और हमारी चॉकलेट्स अच्छे से सेट हो चुकी हैं। तो ये है हमारी प्लेन वेफर्स वाली चॉकलेट, जैसे कि मार्केट में किटकैट वाला फ्लेवर आता है उसी तरह से आप देख सकते हैं बटर पेपर से ये इजिली बाहर आ चुकी हैं। अब बात करते हैं सेकेंड वेरिएशन की, जिसमें कि हमने थोड़े से आलमंड से इसे गार्निश किया है। तो आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं और खाने में तो ये उतनी ही टेस्टी हैं। तो आप इस तरह से अपने बहुत सारे फ्लेवर्स चॉकलेट्स के बना सकते हैं। हमारी चेरी चॉकलेट्स भी बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं और बहुत ही यमी बनी हैं। सर्व कर लेते हैं एकदम यमी यमी हमारी चॉकलेट्स को। फ्रेंड्स, अगर आपको चॉकलेट्स के बारे में डिटेल नॉलेज चाहिए कि कितनी तरह की चॉकलेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं, उनकी हम टैम्परिंग कैसे करते हैं या फिर उनको हम स्टोर कैसे कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। मैं अपनी आने वाली वीडियोज में उसे जरूर ऐड करूंगी। चॉकलेट्स को अगर आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स को गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप उन्हें या तो एज इट इज गिफ्ट कर सकते हैं या फिर आप इन्हें पैक भी कर सकते हैं। तो मार्केट में इस तरह के कलरफुल पेपर्स बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, तो आप इन्हें लेकर इनमें अपनी चॉकलेट्स को पैक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप इन चॉकलेट्स से एक गिफ्ट हैम्पर कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं इस प्लास्टिक के कंटेनर का, जो कि ट्रांसपेरेंट है और मार्केट में इजिली अवेलेबल है। इस तरह की ट्रे ली है मैंने। गिफ्ट हैम्पर बनाने के लिए मैंने इस तरह के दो कांच के जार का यूज किया है, जिसमें कि मैं ड्राइड फ्रूट्स सर्व कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें रोस्टेड नट्स भी डाल सकते हैं। साथ ही हम इसके रख लेते हैं हमारे चॉकलेट्स वाला प्लास्टिक का कंटेनर और उसमें हम अपनी चॉकलेट्स को इस तरह से प्लेस कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं इस तरह के गिफ्ट हैम्पर्स बनाने के लिए। इसे और थोड़ा ब्यूटीफुल बनाने के लिए मेरे पास ये एक रोज है, तो इसे हम कॉर्नर पे लगा देते हैं। तो देखा आपने, फेस्टिव सीजन के लिए गिफ्ट हैम्पर हमारा हो गया है तैयार, और जिसके लिए ना तो हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है और ना ही हमने बहुत ज्यादा खर्चा किया है। बहुत कम खर्चे और कम मेहनत से बनने वाली ये होममेड चॉकलेट्स की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। और इस बार क्रिसमस पे गिफ्ट करने के लिए अपने फ्रेंड्स को मार्केट भागने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कीजिएगा ये होममेड चॉकलेट्स और उनसे पाइएगा बहुत सारी तारीफें। अगर होममेड चॉकलेट्स बनाने का ये इजी तरीका आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, साथ ही जो बेल बटन दिया है उसे जरूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।